ओप्पो ने कलर ओ एस 7 को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कलर ओ एस 7 है ना, वो एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप लोगों के पास में रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर रियलमी का डिवाइस है तो उसके अंदर आप लोगों को कलर ओ एस 7 का अपडेट मिलने वाला है या नहीं, और अगर आप लोगों को अपडेट मिलेगा तो आप लोगों को वो अपडेट कब मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सभी रियलमी डिवाइसेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिसके अंदर आप लोगों को कलर ओएस 7 देखने को मिलेगा, और वो भी कब तक देखने मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखते रहना, और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को कलर ओएस 7 के कुछ फीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों रियलमी की तरफ से उनका जो सबसे पहला स्मार्टफोन होगा ना, जिसके अंदर आप लोगों को कलर ओएस 7 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा, वो है रियलमी 3 प्रो। रियलमी 3 प्रो के अंदर आप लोगों को कलर ओएस का अपडेट देखने को मिल जाएगा, वो भी जनवरी में, और उसके कुछ हफ्ते के बाद में ही, मतलब कि जनवरी के अंदर ही आप लोगों को रियलमी के XT के अंदर भी आप लोगों को कलर ओएस 7 का अपडेट देखने मिल जाएगा। इसका मतलब जनवरी के अंदर रियलमी 3 प्रो और रियलमी XT के अंदर, दोनों के अंदर आप लोगों को अपडेट देखने मिलने वाला है। और फिर उसके बाद दोस्तों फरवरी के अंदर रियलमी एक्स और रियलमी 5 प्रो के अंदर देखने मिल जाएगा आप लोगों को कलर ओएस 7 का अपडेट। और दोस्तों जो रियलमी का भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ रियलमी का फ्लैगशिप फोन है ना, मतलब रियलमी एक्स 2 प्रो, उसके अंदर आप लोगों को कलर ओएस 7 का अपडेट देखने मिलेगा, लेकिन फेब के बाद में मार्च महीने के अंदर। तो ये थोड़ी सी शॉकिंग चीज़ है कि जो रियलमी का फ्लैगशिप फोन है उसके अंदर अपडेट थोड़ा सा लेट देखने मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग में से कोई भी रियलमी 3 या फिर रियलमी 3i के यूज़र है, तो आप लोगों को अप्रैल के मंथ में ही आप लोगों को अपडेट देखने मिलेगा। अगर आप रियलमी 3 या फिर रियलमी 3i के यूज़र हो, तो इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर एक ही साथ में अपडेट पुश करने वाला है रियलमी। और अप्रैल के बाद में मई मंथ के अंदर रियलमी 5 और रियलमी 5s के यूज़र्स को कलर ओएस 7 का अपडेट रोल आउट होना चालू हो जाएगा। और दोस्तों रियलमी 2 प्रो वाले जो यूज़र्स हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि रियलमी 2 प्रो के यूज़र्स को भी कलर ओएस 7 का अपडेट देखने मिल जाएगा, वो भी जून के मंथ में। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि रियलमी 2 प्रो वाले फ़ोनों को भी अब कलर ओएस 7 का यानी कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने मिलने वाला है, लेकिन जिनके भी पास रियलमी 2 है ना, उनको कलर ओएस 7 का अपडेट नहीं मिलने वाला, तो ये उनके लिए थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है रियलमी 2 के यूज़र्स के लिए। और अगर मैं रियलमी C2 के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों इसके लिए कोई भी स्पेसिफिकली मंथ स्पेसिफाई नहीं किया है रियलमी ने। इस फोन के अंदर आप लोगों को क्वाडर 3 के अंदर देखने मिल जाएगा अपडेट, मतलब नेक्स्ट ईयर के 2020 के अंदर जो क्वाडर 3 होगा ना, उसके अंदर इस फोन के अंदर अपडेट रोल आउट होना चालू हो जाएंगे। तो जो अपडेट्स हैं ना, ये सारे फोन के नाम तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन दोस्तों जो रियलमी 1, रियलमी 2, रियलमी C1 और रियलमी U1, ये चार रियलमी के ऐसे डिवाइसेस है जिसके अंदर आप लोगों को कलर ओएस 7 और एंड्रॉयड 10 इन दोनों ही का अपडेट देखने नहीं मिलने वाला। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये रियलमी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस्ड है। और अगर दोस्तों मैं अभी कुछ रियल कलर ओएस 7 के फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो कलर ओएस 7 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ चेंज होने वाली है ना दोस्तों, वो होगी उनके डिस्प्ले के रिलेटेड। ओप्पो और रियलमी ने कहा है कि जो उनके अंदर डिस्प्ले होने वाला है ना दोस्तों, इस बार उनके डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को एक कूलर टोन देखने मिलने वाला है। और ऑब्वियसली दोस्तों इसके जो कलर टोन है ना, वो आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाकर चेंज कर सकते हो। और दोस्तों कलर ओएस 7 के साथ में रियलमी के सारे डिवाइसेस के अंदर जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा रियलमी। जैसे कि उसके अंदर जो आप लोगों को आइकन्स होते हैं ना, उसके ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो, जो फॉन्ट साइज है, और फॉन्ट के डिफरेंट अलग फॉन्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे इस कलर ओएस 7 में। और उनके थीम स्टोर के अंदर काफ़ी सारे अलग डिफरेंट थीम्स भी ऐड होने वाले हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग वॉलपेपर्स भी। और दोस्तों उसके बाद में इन सारे ही डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को ऑफिशियली डार्क मोड का सपोर्ट देखने मिल जाएगा कलर ओएस 7 के साथ। कलर ओएस 7 के साथ में इनकी जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है रियलमी। और उसके अलावा जितने भी एंड्रॉयड 10 के जो फीचर्स होने वाले हैं ना, वो सभी तो आप लोगों को इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। और उसके अलावा रियलमी ने यह भी कहा है कि जो इनके कैमरा एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर ब्यूटी 2.0 का एक नया फीचर ऐड होने वाला है, और जो वीडियो के अंदर जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, वो भी एक फीचर ऐड होने वाला है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग ब्लर कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर। ये भी एक नया फीचर ऐड होने वाला है कलर ओएस 7 के अंदर, और ये सारे ही रियलमी के डिवाइसेस के अंदर मिलने वाला है, जिसका भी मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे कलर ओएस 7 के जो आप लोगों को रियलमी यूजर्स को मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेस्ट